कटा कर नो में नो गुरबाने यमुना तट पे मोर पपीहा आज शाम सब नाचे। तुम बड़े होकर क्या करोगे? छात्र बोला जो बच्चा था के शादी, अध्यापक ने कहा नहीं मेरा मतलब है क्या बनोगे? छात्र बोला के दूल्हा। अध्यापक ने कहा ओहो तुम बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र बोला दुल्हन। अध्यापक अबे मतलब है बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? छात्र बोला बहू जाऊंगा। अध्यापक गुस्से से बोला हरामखोर तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? छात्र पोता। अध्यापक ने फिर कहा ए भगवान अबे जिंदगी का मकसद क्या है? कहता है भाई हम दो और हमारे भी दो। तो आइए प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए जय श्री कृष्ण। बोलना पड़े प्रोग्राम का जैसे ही आपको खत्म हो तो एकदम ताली बजा दे। अच्छा उनको और
पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे ओ मुरलिया वाले रे Thank you.
किंतु वह भगवान की कृपा से हर भगत बचता रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को देवताओं से वरदान में एक चादर मिली थी, जिसे ओढ़ लेने से अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह चादर मटकी
सभी भक्तजन, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली पूजन का दिन है और कल खेलने वाली होली है। हमारे बच्चे होली खेलने के लिए तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं और पूरे एक हफ्ते से इसकी तैयारियां करके रखते हैं, लेकिन होली का पूजन व होली का दहन पर कोई सारे नादारद रहते हैं, केवल घर की महिलाएं ही इस परंपरा को निभा रही हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वह सह परिवार होलिका पूजन के समय भी और होलिका दहन के समय भी उपस्थित हों और इसको इकट्ठे मिलकर मनाएं, ताकि हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को पता लग सके कि इसका क्या महत्व है और यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक जो होलिका दहन का त्यौहार है, विश्व में भी इसी तरह मनाया जाता रहे। मंदिर सुधार सभा इंद्री ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है कि हम यहाँ पर सारे त्योहारों को मनाते हैं और हमारे बच्चों को पता लगता है कि इन त्योहारों का क्या मतलब है। बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर सुधार सभा फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम सब इकट्ठा होते हैं और हमारे बच्चों को यह पता लगता है कि इस त्यौहार का क्या महत्व है और कुछ ना कुछ अच्छी बातें यहाँ से सीख कर जाते हैं। हमारे बच्चे पश्चिमी त्यौहार क्रिसमस, वैलेंटाइन डे, न्यू ईयर तो बहुत चाव से मनाते हैं, बड़ा इंटरेस्ट होता है, हम भी उनका साथ देते हैं, लेकिन जब हमारे त्यौहार मनाने की बारी आती है तो हमें रूढ़िवादी कहा जाता है कि ये तो पुराने हो गए हैं, इनको और कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमारे सभी त्यौहारों के बीच एक साइंटिफिक रीजन होता है, हमें उनको समझना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इसका क्या साइंटिफिक कारण है, ताकि वह इन त्यौहारों से, हमारी धार्मिक परंपराओं से मन से जुड़ सके और इनको भविष्य में जारी रख सके। मैंने पहले भी कहा है कि होली खेलने के लिए सभी उत्साहित रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको गलत ढंग से मनाते हैं कि हम दूसरे के जीवन में भी रंग भरें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारा जीवन या दूसरे का जीवन बेरंग हो जाए। अभी कुछ ही 15 दिन बाद हमारा नव संवत आएगा। नव संवत के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, यह हमारा हिंदुओं का नव वर्ष है। हम कैलेंडर वर्ष अपना 1 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, पर नव संवत पर हम कुछ नहीं करते। 28 अप्रैल को हमारा नव संवत, 28 मार्च को हमारा नव संवत है। असल में हमारा ये नव वर्ष होता है क्योंकि नव संवत के आसपास ही हमारी बच्चे अगली कक्षा में जाते हैं, हमारा जो सीजन चेंज होता है। हमारी नव संवत पर बनती थी, लेकिन सरकार ने कर दिया कि सारे देश की बैलेंस शीट को एक करने के लिए 1 अप्रैल कर दिया, वो भी हमेशा नव संवत के आसपास ही होता है। हमें इसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस पर एक दूसरे को बधाई दें।
बड़े बड़े कैलेंडर लगे हर जगह ताकि पश्चिमी देशों को पता लग सके कि नवसम्मत क्या है और वो भी इसकी मान्यता को माने और पूरे विश्व में नवसम्मत मनाया जाए। हमें अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को ऐसे ही मनाते रहना चाहिए ताकि यह हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे, वरना आप सबको पता ही है क्या होगा। मैं दोबारा से मंदिर सुधार सभा को बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और मुझे मुख्य अतिथि बनाकर आप सबसे दो शब्द कहने का मौका दिया। मैं दिल की गहराइयों से मंदिर सुधार सभा का धन्यवाद करता हूँ। अंत में दो लाइनें कहता हूँ, सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं, सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं, असली कामयाबी तो वो है आसमान भी छू लो और पांव भी जमीन पर रहें। धन्यवाद। पुष्पा जी ने भी अपनी ओर से 200 रुपए इस यज्ञ में डाले हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। भगवान करे आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी तरह से आपकी आस्था बनी रहे, हमसे जुड़ी रहे, इसी तरह से कार्य ये सुचारू रूप से चलता रहे। इस काम के लिए मिला था तो ये याद के लिए एक मोमेंट तो दिया जाता है, वो हम संस्था की तरफ से दे रहे हैं और उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इतने व्यस्त समय में से उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए। प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता रहेगा, आप लोग